नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और कल बीती रात की अगर बात की जाए तो बीती शाम से ही एक र्यूमर फैला था जम्मू कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा रिज़ाइन दे दिया गया है। और कुछ देर बाद इसकी पुष्टि कर दी गई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और अब उनकी जगह जो है मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर की तौर पर जो है नियुक्त किए गए हों। और आज सुबह जो है गिरीश चंद्र मुर्मू ने राजभवन को भी छोड़ दिया है। राजभवन से वो एयरपोर्ट की तरफ निकल गए हैं और अब वो अपने वापस जो है दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाकर जो है वह वहाँ पर जो है उनको आगे का जो कार्यभार है वो सौंपा जाएगा। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कार्यभार जो है उन्हें सौंपा जाएगा। और आप इस समय हमारे साथ वो विजुअल्स देख सकते हैं कि जिसमें आप देख सकते हैं कि वो उनका काफिला जो है वहाँ से राजभवन से निकल कर जो है एयरपोर्ट की तरफ रवाना होता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें वो आप पूरे विजुअल्स हमारे साथ देख सकते हैं। और साथ ही साथ अब इंतजार रहेगा कि कब मनोज सिंह जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो कुर्सी है जम्मू कश्मीर की वो संभालेंगे। तो आप बने रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।